साइन किस देती की दुकान खोली है, वो मोहब्बत बांट रहे हैं। अगर स्मृति ईरानी कहती है ना कि मुझे फ्लाइंग किस किया है, तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं कर रहे हो। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, घर घर में खुलेगी, हर गली मोहल्ले में खुलेगी। हमारे राहुल गांधी जी का जो संदेश है पूरे देश में बुझाएंगे, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, हम जान देने के लिए भी तैयार है। महिला कांग्रेस राहुल गांधी बिल्कुल गलत लगाया है। माँ बाप बहन भाई, आजकल मॉडर्न जमाना है, कोई भी ऐसे करने से उस पर बदनाम नहीं हो जाएंगे हमारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अगर गलत होते तो कोर्ट ये फैसला नहीं देता। इन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन राहुल गांधी जी देश की आवाज है, सत्य की आवाज है, और एक महिला को आगे लाने में श्री राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ है। नहीं, स्मृति ईरानी इस मणिपुर में क्यों नहीं बोली, वहाँ जिला से आकर बोल रही थी, राजस्थान का भी। अगर किसी सरकार में गलत काम हुआ तो आप अपनी सरकार में सुधारो। हमारी देश की बेटियां जो पूरे देश में झंडा बनाती है, महिला पहलवान जो एक हिम्मत का काम करती है, लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, वो बिल्कुल गलत काम किया। प्रधानमंत्री जी की कोठी कितनी दूर है, उनकी ऊंचाई बढ़ाती है जब तो माला डलवाते हैं, मेरी बेटी श्रीवेशा हो, आप तो मेरी बेटी जैसे हो, तो वो शब्द कहां गए थे। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं, जुमलों की सरकार है, और 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा। झूठ बोल रही है, वो सिर्फ ड्रामे करती है, तेज बोलती है। ये ड्रामा करना हमें आता नहीं है, कोसो दूर है, हमें कोई दिखावा नहीं करना, लेकिन फिर भी इनको माइक क्यों बंद कर दिया जाता है? राहुल गांधी जी का माइक क्यों बंद कर दिया जाता है? क्या इनकी सुनने की ताकत नहीं है? बिल्कुल शर्मनाक है, एक अकेला आदमी पूरे इन नेताओं से भ्रष्ट से लड़ रहा है। 40 करोड़ की जनता मेरा कब्ज है। मोदी जी जो कह रहे, मोदी जी तो ये भी कह रहे थे, भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। खाते में आ गए क्या? मीनाक्षी के खाते में आए, मेरे खाते में आए। आए तो कहा, तो ऐसे जुमले तो चुनाव में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? दुनिया को इमोशनल ब्लैकमेल करके बरगलाया गया है। ये एक बहुत ही गलत बात है, किसी को झूठ बोल के सत्ता पाना। मोदी जी झूठ बोल के सत्ता आए हैं। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, घर घर में खुलेगी, हर गली मोहल्ले में खुलेगी। हमारे राहुल गांधी जी का जो संदेश है पूरे देश में बुझाएंगे, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, हम जान देने के लिए भी तैयार है। महिला कांग्रेस सबसे आगे रहेगी। क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ, मोहब्बत की दुकान क्यों खुली थी? नहीं, नाजायज थी, उन्होंने बल्कि ईमानदारी से चाबी पकड़ा दी, वापस नहीं मांगी। वो कानून से कानून को साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। अगर किसी बंदे को किसी की आवाज उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर देते हो। आपके घर में कोई दुख दर्द है, बंदा कहेगा नहीं आपके घर में आके, कहेगा ना ये चीज तो आप महसूस करते हो। बेटियों का क्या हाल हुआ मणिपुर में? कभी हिंदुस्तान में महाभारत में भी नहीं हुआ ऐसा। मोदी जी ने हंसा, हमने संसद में देखा मोदी जी किस तरह हंसे, कितनी शर्म की बात है। अरे दो शब्द ही बोल देते संवेदना के, क्या कहते हैं, मुझे कष्ट है। संसद के बाहर, संसद के बाहर आपने देखा, आपके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप सच्चाई दिखाओगे और इस चीज को जरूर दिखाओगे। हम प्रधानमंत्री मैडम, प्रधानमंत्री जी पूरे देश का है ना, कि सिर्फ बीजेपी वालों का, बेटियां भी उनके लिए बराबर है। हर नागरिक वोट दिया है उन्होंने, वो उनके लिए सबके बराबर है। एक बार ये कह देते हैं हमारी पहलवान बेटियों को भी आके, किसानों से माफी मांगी, कितनी शहादत होगी हमारे किसानों की, शहीद हो गए, माफी मांगी ना एक बार किसानों से माफी मांगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बेटियों से एक बार दर्द पूछ लेते आके, बच्चे क्या है अगर वो बेटियां चाहिए उनको, मोदी जी को बेटियां चाहिए, वो ना हाँ आरोप लगा रही हूँ, क्योंकि स्मृति ईरानी को जी को वो आगे करते हैं और करते रहेंगे, और हम लोग भी उनसे उनसे डरते नहीं है, हम भी उनसे लड़ने के तैयार है, जो करना कर ले। किस तरीके से प्लान किस किया था, क्या किया था, वो कौन किया था, कौन किया, स्मृति जोशी है बोले ना, वही बोले हो क्यों, वो मोदी है इसका बदलाव है, नहीं मोदी आपने लीजा क्या, मोदी जी ने बोला था ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बचाओ नहीं, बेटी को अपनी इन गुंडों से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। किसने किया, वो तो झूठी है, वो तो झूठी है, वो तो हर चीज के लिए झूठ बोलती है, वो तो हर झूठ के लिए, झूठी के लिए तो वो मेन मानी जाती है, झूठ क्यों बोली, वो झूठ बोलती है, उनकी हर चीज तो झूठी निकली। आप किस, हम तो नहीं इस चीज को मानते, उन्होंने किया नहीं, हमें तो नहीं पता। स्मृति ईरानी जी करके दिखा दे, स्मृति ईरानी जी करके दिखा दे ओपनली, अगर राहुल जी ने किया है, अगर राहुल जी ने किया है
तो स्मृति ईरानी भी करके दिखा दे। हम तब स्मृति ईरानी खिलाड़ी है, खिलाड़ी वो फिल्म बना बना के तो तैयार करती है ना, उसी तरह वो फिल्म बनाती रहेंगी, उनका फिल्म बनता रहेगा। लेकिन हमारे राहुल गांधी को आज नहीं आने वाला है, वो फ्लाइंग किस करे, वो प्यार बांटे, वो सब कुछ करे, वो सब प्यार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम खोलेंगे। इतने अच्छे खानदान से है वो स्मृति ईरानी क्या जानेगी, वो तो खिलाड़ी है, खेल 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 खिलाती है। तो खूबसूरत होने का ही तो फायदा, हमारे मध्य प्रदेश में आएगी तो चूड़ी पिना के पहुँचाएंगे, वो भी काले कलर की, बिल्कुल बिल्कुल, साड़ी भी साड़ी पिना के घुमा के और जूता पिना बिल्कुल, सैंडल पहनाएंगे और काली साड़ी भी पहनाएंगे। चूड़ियाँ भेजने की बात करनी है, मैं स्मृति ईरानी को है, मोदी जी को भी बिल्कुल भेजेंगे, चूड़ियों की दुकान भेजेंगे। हमारे राहुल जी ने ना मोहब्बत की दुकान खोली है, वो मोहब्बत बांट रहे हैं। अगर स्मृति ईरानी कहती है ना कि मुझे फ्लाइंग किस किया है, तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं कर रहे ओपनली। महिलाओं के साथ जो गुंडागर्दी हो रही है ना, वो सबको रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्ची उनका रेप हो रहा है, प्रशासन काम कर रही है, मोदी ने कभी देखा है? बच्चियों उनका रेप हो रहा है, गुंडागिरी चल रही है, बीजेपी गुंडागिरी की राज है, बीजेपी जब से ही है जब से गुंडागिरी हो रही है, कोई गुंडा राज है बीजेपी। आरोप लगा रही है आप, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा संस्कारी है ये बताओ ना, कौन सी संस्कारी है बीजेपी, कौन सी संस्कारी है ये बताओ ना, आप खुद बताओ। बेटी आज बाहर निकलती हुई डर रही है, ठीक है, और कांग्रेस के राज में हमारे राहुल शिवराज सिंह बोलता है 1000 रुपए दे दो, हमें 1000 नहीं चाहिए, 500 की टंकी कर दो बस। अच्छा। बस तो स्मृति ईरानी ने कहा तो वो पार्लियामेंट में राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, तो कोई गलत थोड़ा, मोहब्बत की दुकान है, उसको क्या कर दिया? नहीं, और जो मोदी कर रहा है वो क्या कर लिया, मोदी ने क्या किया, क्या किया राहुल गांधी, मुद्दा इनको तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा मुद्दा चाहिए इनको, मुद्दा उठा ली, सारा मुद्दा उठाते उठाते थक गई, अब तो कह दी कि फ्लाइंग किस कर दिया, क्या मुद्दा है ये, क्या मुद्दा है? अरे मोहब्बत की दुकान खुल रही है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, तो प्यार बांट रहे हैं, उसमें कौन सा गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया, क्या हुआ? तो मेरे राहुल भाई ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, आज वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को भाई राहुल गांधी ने ये कर दिया, जब हमारी बेटियां मणिपुर में नंगी रोड पे घुमाई गई थी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोहब्बत की दुकान करो, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोहब्बत की दुकान, जो हमारे राहुल गांधी जी ने खोली है। छत्तीसगढ़ से बेलतरा विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष, अच्छा, महिला कांग्रेस से, और मैं राहुल गांधी जी के लिए फ्लाइंग किस देती हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के लिए, हाँ, जब स्मृति ईरानी इस को लगा सकते तो हम भी बोल सकते हैं, इसको भाई हो, हमारा भाई है, छोटा भाई हो हमारे लिए, हाँ, वो मोहब्बत का दुकान खोलेंगे ना तो हम उनके लिए तैयार है, और वो क्या करेगा, हाँ हमें दुकान खोल रहे हैं क्या, मोहब्बत किसी गलत काम को थोड़ी करते, बहन से करते हैं, भाई से करते हैं, ये है मेरा भाई है, ऐसे ये मेरी बहन है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, छोटे बच्चे को नहीं करते, अपने के बच्चे को मोहब्बत की बात हो रही है। अरे आप कह रहे हैं इसलिए मोहब्बत की दुकान है, हम करते हैं राहुल मोदी जी के राज में पूरा मणिपुर नंगा घुमा दिया औरतों को, और मैं मोदी जी वो चुनाव के लिए आपको फ्लाइंग किस करना आता, पता किस तरीके से किया था? पता नहीं, मैं आपको पता होगा, जल्दी जल्दी पकड़ी बात है उनकी, स्मृति ईरानी झूठ झूठ तो बोलती है। उनके पास बढ़ाना चाहिए।